जी वेलकम जी, आंखें बंद कर लीजिए। आज का हमारा मौजू है जिंदगी को कैसे हम मजबूत बनाएं। जब हम लंबा अरसा किसी एक खास माहौल में रहते हैं, उस माहौल का असर हम पर बहुत गहरा पड़ता है। हम वैसे ही हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, इसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। एक दिन कोई बंदा कहीं जंगल में जा रहा था तो उसे कुछ अंडे मिले, नीचे गिरे पड़े थे। वो उन अंडों को उठा के घर ले आया। घर में उसकी मुर्गी, उसने भी अंडे दिए थे। अंडों में से बच्चे निकालने के लिए मुर्गी उन अंडों पे बैठ रही थी। उस बंदे ने उन अंडों को, जो वो बाहर से लेकर आया, मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। जब मुर्गी के बच्चे निकले, उन अंडों में से भी बच्चे निकले, लेकिन वो बच्चे शाहीन के बच्चे थे। वो बच्चे बाज के, ईगल के बच्चे थे। मुर्गी ने उन्हें अपना बच्चा समझा और वो बच्चे, बाज के बच्चे, मुर्गी के बच्चों के साथ पलना शुरू हो गए। जिस तरह एक मुर्गी का बच्चा गलियों में, नालियों में इधर उधर खाना तलाश करता है, वैसे ही वो बाज के बच्चे भी मुर्गी के बच्चों के साथ इधर उधर से दाना खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे बड़े हुए, मुर्गी के बच्चे भी बड़े हुए। तो एक दिन एक शिकारी, जो कि बाज का जानने वाला था, जिसे बाज की नेचर का, जिसे बाज का बखूबी पता था कि बाज क्या होता है, कहीं उस गांव में वो शिकारी आया तो उसने देखा कि मुर्गी के बच्चों के साथ बाज के बच्चे खेल रहे हैं, बाज के बच्चे घूम फिर रहे हैं। वो हैरान हुआ। उसने उस मुर्गी के मालिक से कहा, ये बच्चे मुझे दे दो। अब वो बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन ना तो वो बाज की तरह उड़ रहे थे, ना ही बाज की कोई और खूबी थी। उन्होंने अपने आप को मुर्गी ही समझ लिया था। वो शिकारी बाज के बच्चों को जंगल में लेकर गया। उसके पास और भी बाज थे। उन बाजों के साथ उन बच्चों को छोड़ दिया गया। शुरू में इन नए बच्चों को मुश्किल पेश आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाज
बाजों का माहौल, बाजों की कंपनी, उनके साथ ये उड़ने लगे, उनके साथ ये शिकार करने लगे। तो माहौल हमें वैसा बना देता है जैसा वो खुद होता है। आसपास का माहौल हमें नीचे भी ले जाता है और हमें बुलंदी की तरफ भी ले जाता है। सर्कस में जो हाथी होता है वो हाथी बचपन में सर्कस में लाया जाता है जब वो बच्चा होता है। छोटी उम्र में उसको बड़ी मोटी रस्सी से, बड़ी मोटी जंजीर से, बहुत बड़े कीले के साथ बांधा जाता है। वो बहुत जोर लगाता है और रस्सी को तोड़ने के लिए, उस चेन को, उस जंजीर को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं टूटती। आहिस्ता आहिस्ता हाथी बड़ा होता जाता है और सर्कस वाले उसका वो चेन, उसका वो जंजीर छोटा करते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हाथी जोर लगाना बंद कर देता है। वो ये मान लेता है कि इस जंजीर को, इस रस्से को मैं नहीं तोड़ सकता। और एक वक्त आता है एक छोटी सी रस्सी से भी अगर हाथी को बांध दिया जाए तो वो बंधा रह जाता है, क्योंकि उसका सबका तजर्बा, उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि मैं ये चेन, ये जंजीर नहीं तोड़ सकता। हालांकि वो अब जवानी में छोटा सा झटका भी लगाए तो उस चेन को, उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो जोर नहीं लगाता। यह है माहौल का असर। एक और तजर्बा आपसे शेयर करूंगा। एक फिश एक्वेरियम के अंदर एक लगभग वो कोई 10 फुट लंबा, कोई 4-5 फुट ऊंचा शीशे का एक फ्रेम, उसमें कुछ मछलियां छोड़ी गई। और फिर उसको दरमियान में से डिवाइड कर दिया गया। उस फिश एक्वेरियम को दरमियान में से 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से में एक बड़ी शार्क मछली छोड़ दी गई और दूसरे हिस्से में छोटी छोटी आम सी मछलियां छोड़ दी गई। अब बीच में शीशे की एक दीवार थी, शार्क को दूसरी तरफ छोटी मछलियां वाजे तौर पर नजर आ रही थी। शार्क ने उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, हमला किया, लेकिन बीच में शीशे की दीवार थी, शार्क उन मछलियों को नहीं पकड़ पाए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार बार उस शार्क ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो नाकाम हुई। तो फिर उसने हमला करना बंद कर दिया। जब उसने हमला करना बंद कर दिया तो बीच में से उस दीवार को हटा दिया गया। अब मछलियां उसके आसपास थीं, लेकिन उस शार्क की यह प्रोग्रामिंग हो चुकी थी कि मैं इनको नहीं पकड़ सकती। ऐसे ही बहुत सी नाकामियां, नेगेटिव माहौल
ये हमें नाकामियों की तरफ ले जाता है। लेकिन जिंदगी के किसी भी हिस्से में हमारी पावर वो ख़त्म नहीं होती, हमारे अंदर वो एक स्ट्रांग इंसान मौजूद रहता है। तो आज का ये सेशन है उसी स्ट्रांग, उस हेल्दी, उस सुपर ह्यूमन बीइंग को जानने का, हमारे इस जिस्म पर, हमारे जहन पर, माइंड और बॉडी ये क्या है इसको कोई अलग चीज मत समझें, माइंड और बॉडी ये एक ही चीज है। माइंड यानी थॉट्स और बॉडी यानी जिसमें थॉट्स चलते हैं। तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी हालातों वाकयात के जो भी इफेक्ट्स हैं, पास्ट के आसपास जो कुछ भी हुआ, वो हमारे साथ लेयर्स की शक्ल में मौजूद है। लेयर्स, परतें, हिजाब। जैसे ही हम उन लेयर्स को, उन परतों को, उस हिजाब को हटा लेते हैं, वैसे ही वो सुपर ह्यूमन बीइंग, वो स्ट्रांग, वो पावरफुल इंसान, वो लविंग, हैप्पी और हेल्दी इंसान हमारे तजर्बे में आ जाता है। सब लोग अभी ये सर से लेकर पांव तक, ये जो पूरा परिपंच, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी बॉडी जिसमें गोश्त पोश्त है, हड्डियां हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम है, जिसमें थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, जज्बात हैं, आदात हैं, आप सर से लेकर पांव तक जो कुछ भी हैं, जितना हो सके इसको लेट गो कर दें, इसको ढीला छोड़ दें, क्योंकि यही वो है जो रुकावट है, यही ऑब्स्टेकल है। ये आंख बंद करके जरा सर से लेकर पांव तक फील कीजिए, क्या सेंसेशन है सर पे, क्या सेंसेशन है आपकी बैक पे, क्या सेंसेशन है सीने पे। एक भारीपन, एक स्ट्रेस की फीलिंग या कोई पेन की फीलिंग, जो कुछ भी ये फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, ये वही हालातों वाकयात के इफेक्ट्स हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में रिकॉर्डेड हैं, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हैं। जिस तरह आपके कंप्यूटर के मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारा डाटा पड़ा है, जिसने हमारी स्पेस को घेरा है, जिसने हमारी एनर्जी को ऑक्यूपाई किया है। तो भी आप अपने सर को लेट गो करें, सर का राइट हिस्सा, सर का लेफ्ट हिस्सा। आंखें बंद रखनी होंगी, ये मैं पहले बता दूं,
खुली आंखें जब होती हैं तो हमारा ध्यान बाहर भटकता है, बंद आंखों से हमारी तवज्जो अंदर की तरफ आती है, हमारी एनर्जी सेफ होती है और हम ठीक तरह से काम कर पाते हैं। इसलिए मेडिटेशन में आंखों को बंद रखें। वंस अगेन अपने सर पे आ जाएं, बल्कि मैं एक और टर्म आज इस्तेमाल करना चाहूंगा कि आपने अपने आप को रिस्टोर करना है। रिस्टोरेशन क्या होती है? कोई पुरानी चीज हमको मिल जाए, कोई पुराना बर्तन मिल जाए, कोई पुराना सिक्का मिल जाए, उसको फिर हम वापस पॉलिश करके, उसको घिस के, उसको वापस फिर हम जब नया बनाते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर हालातों वाकयात के बहुत प्रेशर्स हैं, बहुत जंग आ गया, बहुत डस्ट आ गई, बहुत डर्ट आ गई। आज हमने वापस रिस्टोर करना है। अपने आप को असली हालत में लेकर आना है। हमारी असली हालत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत आला है, बहुत अरफा है, बहुत सुंदर है, बहुत लविंग है, बहुत स्ट्रांग है। जरा फिर एक बार सर से लेकर पांव तक सारी बॉडी को फील कीजिए। ये जो फ्रॉम हेड टू टो अभी जो आपकी फीलिंग है, जो कुछ भी आप अपने आप को जान रहे हो, जो भी तजर्बा हो रहा है, ये वही आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी बीइंगनेस, आपके असल वजूद के ऊपर जो जंग है, जो कचरा है, ये वो आप फील कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी असल तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम इस नकल को क्रॉस ना करें। आपको मनातीत, बियॉन्ड द माइंड, जिस्म से आगे, माइंड और बॉडी दोनों से आगे जाना होगा। माइंड और बॉडी, इसके अलावा आपको कोई तजर्बा करना होगा, वही स्ट्रॉन्ग तजर्बा है, वही स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ है, वही वला खौफन द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस है। इधर इस साइड पे जहां पर आज हम खड़े हैं, ये डेंजर जोन है। लेकिन वो सेफ जोन इसी डेंजर जोन से होकर ही उसको रास्ता जाता है। वंस अगेन जस्ट रिलैक्स योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जिस तरह एक ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठ के किसी बटन को दबाता है तो शीशा खुल जाता है, कोई सिस्टम ऑन हो जाता है, कोई सिस्टम ऑफ हो जाता है, ऐसे ही आज अपनी बॉडी के ऑपरेटर बने, ड्राइवर बने। ये बॉडी, ये सिस्टम एक बहुत ही अनाड़ी, बहुत ही अनट्रेन किस्म के ड्राइवर के हाथ में है, यानी आपका जो अचेतन चित्त, लाशौर जिसको कहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारी जिंदगी को ऑपरेट कर रहा है
और वो गलत कर रहा है। आज अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट अपने हाथ में ले लें आपको ये बॉडी सुपर बॉडी में बदलनी है। बॉडी जितनी भी अच्छी हो जितनी भी प्यारी हो लेकिन ड्राइवर अनाड़ी हो तो उसका सत्यानाश कर देगा। सुपर गाड़ी अनाड़ी ड्राइवर खराब कर देता है। हमारी ऐसी ही हालत है कि इंसानी बॉडी के अंदर एक गलत जहन एक गलत माइंड वो बैठ गया है। ये माइंड ट्रेनिंग भी है। हम पूरी तरह अवेयर हैं, होश लेकर आए एक लम्हे के लिए भी अभी कोई और सोच ना हो। हमारी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी में ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड को जानना है। बहुत कुछ जान लिया आपने। जिस स्टेट ऑफ माइंड में सारी जिंदगी जी वो बहुत वीक बहुत बीमार स्टेट ऑफ माइंड थी, बहुत लो स्टेट ऑफ माइंड थी। अब आ जाएं अपनी प्योरिटी की तरफ चलें। वंस अगेन मैं का मतलब ड्राइवर ऑपरेटर। मैं अपनी बॉडी के सारे सिस्टम सर से लेकर पांव तक बॉडी के एक एक सिस्टम को जस्ट लेट गो कर रहा हूं, इजी कर रहा हूं। मैं एक और बात आपको बताता चलूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए मेरी बात को। फरीद बहुत प्यारा दरवेश हुआ। एक दिन बैठा था, एक बंदा आया वो आके फरीद से कहता है, बाबा जी आप हर वक्त खुश रहते हो, बेखौफ रहते हो, मजे में जिंदगी गुजारते हो और हम हैं कि दुखों से मरे जा रहे हैं, हमें भी कोई तरीका बताएं कि हम दुखी लाइफ से निकल आएं। फरीद अपनी जगह से उठा, सामने एक पेड़ था एक दरख्त था, उसको जाके उसने जोर से पकड़ लिया और शोर मचाने लगा, छुड़ाओ बचाओ छुड़ाओ। और भी लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, बाबा जी आप पागल तो नहीं हो गए, किसे छुड़ाएं? दरख्त को आपने पकड़ा है, दरख्त ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है और आप ही शोर मचा रहे हो, छुड़ाओ तो आप छोड़ दो। तो फरीद ने कहा, बस यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं, नाकामियों को बैड स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहें डस्ट, जिसको कहें बीमारी, जिसको कहें स्ट्रेस, जिसको कहें छिलका, जिसको कहें
बद मजा और बद जायका जिंदगी जिसको कहें दुख उसको हमने पकड़ा है। ऐसा नहीं, हमने उसको पकड़ा है। फिर सुन लीजिए, दुख ने हमको नहीं पकड़ा, बीमारियों ने हमको नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है। जैसे फरीद ने दरख्त को पकड़ा था, ऐसे हमने दरख्त को, बीमारियों को, हमने दुख को, स्ट्रेस को पकड़ा है। आए इसकी प्रैक्टिस करते हैं छोड़ने की। छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सी परतें हैं, बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत से बादल हैं। मैं सर से लेकर पांव तक अपना अंग अंग ढीला छोड़ रहा हूं। अब कितने स्ट्रांग तरीके से आप लेट गो करते हैं ये आप पर है। उतना बोझ, उतना शल, उतना हिजाब हट जाएगा। एक लेयर सर से लेकर पांव तक, एक लहर दौड़ जाएगी, जैसे कुछ डिजॉल्व हो गया, कुछ पिघल गया, कोई घूंघट उठ गया। वंस अगेन, ये बड़ा सॉफ्ट काम है। ये सारा मन से ही ये सारा तनाव आता है। मन से ही आपको तनाव को छोड़ना है। मन ही पकड़ता है, मन बेहोशी में पकड़ता है। ना समझी में मन ने सारा कचरा इकट्ठा किया। आए आज समझ आ गई, इस कचरे से कुछ मिला नहीं। आज छोड़ दें, जस्ट लेट गो कर दें। मैं फिर कहता हूं, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको मैं, डायरेक्ट मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूं जो काम करना है। मैं अपने सर के एक एक हिस्से को, सर के बाहर को, सर के अंदर को, सर के दाएं हिस्से को, सर के बाएं हिस्से को, सर के पिछले हिस्से को लेट गो, ढीला छोड़ रहा हूं। हम सारी जिंदगी पकड़ते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ते हैं। आंखों से पकड़ते हैं, कानों से अल्फाज पकड़ते हैं, आंखों से मंजर शक्लें पकड़ते हैं, जुबान से टेस्ट पकड़ते हैं, नाक से स्मेल पकड़ते हैं। अंग अंग हमारा इन दरवाजों से, जिनका मैंने नाम लिया, इन दरवाजों से आए हुए मनाजर, अल्फाज, टेस्ट, स्मेल, सेंसेशन, इससे भरा पड़ा है। आज मौका आ गया, हम वापस थ्रो कर दें, हम वापस थ्रो कर दें। घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। आज अपने घूंघट के पट खुलने दें,
आज हिजाब उठने दें, हजाब उठेगा, आप रुकावट पैदा ना करें, आप जस्ट लेट गो वाली हालत में बैठें। कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई चैंटिंग चैटरिंग नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। क्योंकि बॉडी अपने आप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर सुन लीजिए, बॉडी एक सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस है, ये अपने आप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करती, सारी प्रॉब्लम माइंड से आती है, जहन से आती है, मन से आती है। क्योंकि बॉडी नेचर से आई है, नेचर हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं देती, मन माइंड वो नेचर से नहीं आया, वो आया है दोस्तों से, सोसाइटी से, मीडिया से, टीवी से, खानदान से। जैसे मैंने आपको बता दिया था शुरू में कहानी में कि बास का बच्चा वो आसपास के माहौल से किस तरह मुतासर हुआ और मुर्गी बन गया, ऐसे ही हमारा जो मन है, जहन है, वो आसपास के माहौल से आता है और इस बॉडी को जकड़ देता है, खराब कर देता है। आज मौका आ गया कि हम इस बॉडी को असल हालत में जान पाएं। सारी जिंदगी जिस तरह आपने लाइफ गुजारी, जो कुछ लाइफ में जानते रहे, ये आपका असल रूप नहीं था, नहीं है। बॉडी के एक एक सिस्टम को लेट गो कर दें। आईज आपकी आईज हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं, ये आपकी डिवाइस है। आईज को जरा नरम होने दें। हमने कब इस पे काम किया है? कभी आईज पे आपने काम नहीं किया, कभी फेस पे काम नहीं किया। आज जरा आईज पे, मैं अपनी आईज को, आईज के तमाम अंदरूनी मसल्स को ढीला छोड़ रहा हूं। जरा आईज के अंदर तो जाएं। जब आईज को स्ट्रेस में हम लेकर आए, आईज का सारा तनाव, सारा प्रेशर वो हमारी वजह से है, लाइफ की एक एक प्रॉब्लम उसके जिम्मेदार हम हैं, और हमने ही आज अपनी बॉडी को वापस 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 अपने आप को असल की तरफ लेकर जाना है। मैं अपने चेहरे के तमाम मसल्स, जब मैं आपको कह रहा हूं चेहरे के तमाम मसल्स, तो ये मत समझिए कि मैं सिर्फ गोश्त पोस्ट को ऑपरेट करने का कह रहा हूं। इन्हीं गालों के अंदर, इन्हीं होंठों के अंदर, इसी माथे के अंदर आपकी आदत हैं, आपका बिहेवियर है, आपके डर हैं, आपकी फोबियाज एंड फियर्स हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि अपने चेहरे का एक एक मसल
जस्ट लेट गो कर दें, तो इसका मतलब है चेहरे में जितना डेटा है, हर इंसान का चेहरा अलग है क्योंकि हर इंसान के चेहरे में अलग डेटा है, अलग रिकॉर्डिंग है। आए अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर लेट गो, गाल, होंठ, अब कोई चीज सुकड़ी हुई ना हो, वल असर इन्नल इंसान अलफी खुसर, ये इंसान घाटे में है। कैसे है घाटे में? जैसे हमारे पास 10 लीटर पानी हो और वो पानी जम के बर्फ बनता जाए, वो जो पानी की पावर है मूव करने की वो कम होती चली जाएगी, हम हार्ड होते चले जाएंगे, हम जैम हो जाएंगे, हम सेट हो जाएंगे, ये घाटा है। लेकिन जब बर्फ वापस पिघले, वापस पानी बने, फिर पानी से भी ऊपर एक हालत है, वो है भाप का। पानी जब आग पे चढ़ता है तो वो भाप बन जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। ये है घाटे का, घाटे से निकलना, घाटे के सौदे से निकलना, ये आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? कोई तरीका कि इस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, कोई बाबा जी मुझे मौजज़ा और चमत्कार कर देंगे। जब पकड़ा मैंने है तो छोड़ना भी मुझे है। हाँ, दूसरा कोई जरूर हेल्प कर सकता है। जब बांधा मैंने है तो खोलना भी मुझे ही है। आज मैं खुल रहा हूं, अपनी जरा गर्दन पे आ जाएं। बॉडी कोई हिस्सा टाइट मत रखिएगा, आज हजारों लाखों डेटा, हजारों लाखों फाइलें वो आपकी बॉडी से फॉर्मेट हो जाएंगी। इम्यून सिस्टम क्या है? जितना स्पेस बॉडी में ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना स्पेस ज्यादा है, उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लाइफ सारी स्पेस पर है, लाइफ सारी स्पेस पर है। जिन चीजों में जितना स्पेस कम है वो उतनी हार्ड हैं, वो बेजान हैं। जिधर स्पेस जितनी ज्यादा है वहां पे एनर्जी उतनी ज्यादा है, वो बॉडीज उतनी जबरदस्त हैं। यहां पर है, आप अपना स्पेस कम करते चले जाएंगे तो आप डाउन जा रहे हैं। आप सेट दुनिया की तरफ चले सफर शुरू कर देंगे, सेट यानी ठहरी हुई दुनिया। लेकिन आप स्पेस जब बढ़ाते चले जाएंगे, आप यूनिवर्सल होते चले जाएंगे, आप कायनाती होते चले जाएंगे। अपने कंधों को ऐसा मत रहने दें, कंधों को फ्रोजन हालत में मत रहने दें। ये कोई तजर्बा हुआ, ये हार्ड सॉलिड, ये ठहरे हुए, ये पेनफुल शोल्डर्स,
इनको ढीला होने दें, बॉडी का एक एक पार्ट आपको एनर्जी 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 में फील होना चाहिए। बॉडी की सॉलिड हालत, ठोस हालत कम होती जाए, बॉडी की एनर्जी, बॉडी की स्पिरिचुअल हालत, एनर्जी वाली हालत वो बढ़ती जाए, सख्ती कम होती जाए, बर्फ पिघलती जाए, कंधे दोनों ढीले, बाजू ढीले, हाथ ढीले, सीने के अंदर उतर जाएं। बीमारी और कुछ भी नहीं, बीमारी नॉट्स हैं, बीमारी बॉडी के बोझल, ओवर डाटा जहां भी हो गया वहां का फंक्शन स्लो हो जाता है और हम कहते हैं बीमारी आ गई। कचरा संभाल के रखा है हमने इस वजूद में, जैसे कोई अपने घर को कबाड़खाना बना दे तो घर में चलना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही लाइफ गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाती है जब सर में कचरा, सर में थॉट्स, सर जब कंधों में भारीपन, जब चेस्ट में कचरा, जब कमर में डाटा। तो आज हमने फैसला किया है ये जो वजूद है इसको फ्री करना है, लिबरेट करना है, खाली करना है, एम्प्टी करना है। तो मैं इस वजूद के किसी भी दरवाजे को बंद नहीं करूंगा, ये नाक, कान, जबान, आंखें, यही सिर्फ दरवाजा नहीं, आपकी बॉडी के एक इंच स्क्वायर पे लगभग 2000 छोटे छोटे मसाम हैं, होल्स हैं। तो जब आप बॉडी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेल ऑपरेट करेंगे, मैंने अपने मसल्स को, अपने नर्वस सिस्टम को अंदर डीप तक लेट गो करना है, तो डेटा रुक नहीं पाएगा, बोझ रुक नहीं पाएगा, फोबियाज एंड फियर्स वो नहीं रुक पाएंगे, वो तब तक ही रुके हुए हैं जब तक हमने अपने आप को सुखेड़ा है, टाइट किया है। वंस अगेन इस बात को यकीनी बनाइए कि मेरा सीना बाहर से और अंदर से ढीला हो रहा है, यही काम करने वाला है। मैं आपको किसी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि इसके जो ऑपोजिट काम है वही हमने सारी जिंदगी किया है। क्या? पकड़ने वाला। रोड से जाते हुए कोई हादसा, कोई शोर शराबा, कोई मंजर, कोई आवाज, उसको हम पकड़ लेते हैं, हम उसको जैसे आपके कपड़े मैले हो जाते हैं ऐसे हमारी बॉडी और हमारा जहन आसपास के हालात और वाकयात से मैला हो जाता है, पकड़ लेते हैं हम। सारी जिंदगी पकड़ा है हमने, कभी मीडिया से पकड़े हैं चीजें, बातें, कभी दोस्तों से, कभी दुश्मनों से, कितना और बोझ डालेंगे अपने ऊपर।
आपको आपके अपने मोबाइल फोन से भी डाटा साफ करना पड़ता है। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। कबीर ने कहा, कबीर बेड़ा जर जरा ते फूटे 6,000। क्या कबीर, ये जिस्म का बेड़ा पुराना हो गया, इसमें बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया। फूटे 6,000, कई छेक हो गए। हुरवे हुरवे तर गए ते डूबे जिन सिर भार। जो लाइट होंगे वो फ्लोट कर जाएंगे, वो तर जाएंगे, और डूबे जिन सिर भार, जिनके बोझ सर पे होगा, जो भारी होंगे वो डूब जाएंगे। अब आपसे कह रहा हूं कि जस्ट लेट गो कर दें इस बेड़े से, बोझ सारा जाने दें। मैं सारा बोझ छोड़ रहा हूँ। ये बोझ कोई किलो में, कोई मनों और टनों में नहीं है, ये बोझ है इमोशंस में, ये बोझ है हैबिट्स की शक्ल में, ये बोझ है थॉट्स का, ये बोझ है सेंसेशंस का। मैं अपनी चेस्ट को सामने से, पीछे से, जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो। कुछ भी संभालने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस वजूद में कुछ भी रोक के रखने वाला है ही नहीं। जब सब कुछ चला जाएगा तो बाकी जो बचेगा बस वही चाहिए आपको। सारा फॉर्मेट हो जाए, सारा का सारा। क्यों डरते हो? तू बचा बचा के ना रख इसे, मत बचाओ। अपने पेट को और अपनी बैक को ढीला। कभी पेट पे आपने काम ही नहीं किया, आप चाहते रहे गोलियां ही काम करें। आप अपनी अंतड़ियों को, आप अपने स्टमक को अंदर तक जाके लेट गो नरम कर सकते हैं। लेकिन कब किया ऐसा? लाइफ में जल्दी ही बहुत है, भाग रहे हैं लोग इधर उधर। जरा रुको, जरा ठहरो, ये मौका आया आपके पास। लॉकडाउन हुए, घरों में आप बंद हुए, मैं तो कहता हूं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस तराब नहीं, ताकि तू अपनी तरफ पलट आए। ऐ इंसान, अपनी दोनों टांगों को, थाइस को, मैं फिर कहता हूं, हमने अपनी थाइस को, अपने टखनों, घुटनों, पिंडलियों को अंदर की तरफ खींचा है, सुकेड़ा है, जैसे मुट्ठी को बंद किया होता है। ऐसी ग्रिप है हमारी हमारी बॉडी पे, वो ज़हनी ग्रिप है, वो इमोशनल ग्रिप है, वो अंदर माइंड की ग्रिप है। तो थाइस को, नीज को, पिंडलियों को जस्ट लेट गो कर दे। बीच में ज़हन, माइंड इधर उधर भागेगा कि किस काम पे लग गए, लेकिन आप ठीक तरह से जब आप काम करेंगे, जब बोझ उतरेगा तो दिलचस्पी बढ़ेगी। जब अंदर की हालत, अंदर के वो दर्शन, अंदर की झलक, अंदर की वो किरणें नजर आएंगी और आएंगी, तो फिर आप ठीक काम कर पाएंगे। द
जब सफर तय होगा फिर एक बार सर के ऊपर आ जाएं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं फिर कहता हूं ये बॉडी आपकी है, आप अपने मोबाइल फोन को एक बटन दबाते हो स्विच ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, घर में कोई बटन दबाते हो पंखा ऑन हो जाता है। सेम ऐसे आए, अब मैं अपनी बॉडी के सर के ऊपर हूं और मैंने एक मैसेज थ्रो करना है अपनी पूरी बॉडी में कि मेरी बॉडी का एक एक सिस्टम ढीला हो जाए। दरवेशों ने एक बड़ा प्यारा नाम दिया, मरने से पहले मरना। सुल्तान बाऊ ने तो कहा कि मरण तो पहले मर गए या हजरत बाहू ता मतलब नू पाया हूं। यानी मैंने इतना अपने आप को ढीला छोड़ दिया, मैंने छोड़ ही दिया, ये छोड़ ही देना पड़ेगा। जब जिस मतलब की मैंने आज आपसे बात की है, द पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, प्योर हालत, अमृत, आबे हयात, वो सुपर स्टेट ऑफ माइंड, तो जहां पर अभी आप खड़े हैं कचरे में, कचरे को छोड़ ही देना पड़ेगा। ऊतु कबलन तमूतु, क्योंकि पुरानी आदत है, बरसा बरस की आदत है, बरसा बरस की आदत है पकड़ने की, तो छोड़ने की आदत आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होगी। मैं सर से लेकर पांव तक अपनी पूरी बॉडी को जान रहा हूं, पूरी बॉडी के बारे में अवेयर हूं, पूरी बॉडी के बारे में मुझे फीलिंग्स और तजर्बा हो रहा है। और बॉडी के किसी भी सिस्टम और किसी भी पार्ट को मैंने सुकेड़ा नहीं है। मैं छूटने दे रहा हूं, मैं अवेयर हूं इस बात पे कि कहीं मैं कोई सुखेर ना लूं बॉडी का सिस्टम, कहीं मुट्ठी वापस बंद ना हो जाए, मुट्ठी में कंकर पत्थर पकड़े हों तो मुट्ठी को ढीला छोड़ दें। इतनी सी बात है, मुट्ठी खुल गई तो कंकर पत्थर छूट जाएंगे। इस वजूद में हमने न जाने कितना कचरा पकड़ लिया है। मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अंग अंग को ढीला छोड़ रहा हूं। जैसे मोमबत्ती पिघलती है, जैसे गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है, ऐसे ही जब ध्यान, तवज्जो, होश की गर्मी
अवेयरनेस की, शोर की गर्मी जब वजूद में आती है तो वजूद की स्ट्रेसेस, वजूद के अंधेरे, वजूद की सख्तियां, फ्रोजन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, वो सारे के सारे अंदर से नरम होना शुरू होते हैं। वंस अगेन अपने हेड पे आए, हेड के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ योर हेड एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं तालु। बच्चा जब पैदा होता है तो वो जगह कच्ची होती है। अपनी तवज्जो वहां ले जाइए, सर के ऊपर, सर के दरमियान में, और वहां से जैसे एक अवेयरनेस, एक एनर्जी, जो आप हो, कोई इमेजिनेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक होश, एक शऊर, सर के ऊपर से दाखिल हो रहा है और बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर। मेरी तवज्जो जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी जगह जगह पे फैलती है, वहां वहां से अंधेरा भागता है, ऐसे ही सर के टॉप से अवेयरनेस और होश के साथ मैं बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर उतर रहा हूं, फैल रहा हूं अंग अंग में। एक तरफ तो मैं अपने वजूद में उतर रहा हूं, दूसरी तरफ वजूद को ढीला छोड़े हूं मैं। जब हम बैठते हैं ध्यान में तो ऊपर का तनाव, ऊपर का डाटा, सर का डाटा, कंधों का डाटा नीचे की तरफ आपके पांव और टांगों की तरफ बहता है। पांव भारी हो जाते हैं, कभी टांगें भारी हो जाती हैं, तो जितनी देर तक बैठ पाए जरूर बैठें, अपना सिटिंग पोस्चर इसको लंबा करें। जैसे मैं आपके सामने जब से बैठा हूं मैंने कोई बॉडी मूव नहीं की, ऐसे कोशिश करें कि आपका सिटिंग पोस्चर थोड़ा बेहतर हो। ऊपर से डाटा नीचे की तरफ आता है और आप बाहोश रहते हैं, अवेयर रहते हैं। जब आप बॉडी को छोड़ते चले जाते हैं, लेट गो करते चले जाते हैं, तो वो डाटा, वो स्ट्रेसेस, वो नॉट्स, वो बीमारियां लहरों की शक्ल में आपकी बॉडी से निकलती चली जाती हैं। जो भी अभी आपने मेरे साथ ये मेडिटेशन की, इसे डेली अपने घर पे सुबह और शाम टाइम निकालें, उस वक्त तक काम करते रहें, हत्ता याति अकल यकीन, उस वक्त तक काम करते रहें जब तक हक का इन्फिनेट उम्र जाविदा वला खौफन
जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग नहीं समझने लगते, जब तक आपको एनर्जी का तजर्बा नहीं होता। लाइफ इज एनर्जी, लाइफ इज एनर्जी, लाइफ एनर्जी का नाम है। लाइफ जिंदगी वो है जो हो ना शना साए अजल। क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाज़ाए अजल। वो जीना क्या जिसमें हर वक्त खौफ परेशानियां, जिस वक्त हर वक्त जिसमें बीमारियां फिक्रें आपको घेरी रखें। वो जीना क्या? तो जिंदगी के उस पहलू को जो सुपर है, जो प्यारा है, उसको जानना है। तो सुबह और शाम अपने लिए टाइम निकालें और सर से लेकर पांव तक, जैसे मैंने कहा, एक एक मसल को, एक एक अंग को देखें और उसको ढीला छोड़ें। फिर कहता हूं देखें, जैसे अभी कंधों को देखें, कंधों पे जाएं और फिर कंधों को लेट गो कर दें। बाजू पे जाएं, जाना बाजू को, बाजू को लेट गो कर दें। हाथ पे जाएं, राइट हाथ पे, हाथ को जाना, हाथ को लेट गो कर दें। यू सारी लेयर्स, जिस तरह प्याज होता है, प्याज का छिलका है, एक के बाद एक छिलका होता है, ऐसे ही हम फोल्डर्स के अंदर फोल्डेड हैं, बंद हैं। यूं बार बार जब आप अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाएंगे, सारे हिजाब उठ जाएंगे, सारी लेयर्स डिजॉल्व हो जाएंगी और आप अपने आप से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी।